हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बन जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो करेलों को अच्छी तरह से छील कर उनके छिलके उतार दिए थे और बीज भी निकाल दिए थे, और इनके अच्छी तरह से वॉश करके नमक लगाकर इन्हें आधे घंटे के लिए रख दिया था। और इन्हें मैंने कुछ ऐसे शेप में कट किया था। और यहाँ पर मैंने चार बड़े साइज़ की प्याज लेनी है। अभी मैं उनको चॉप करूँगी, मोटा मोटा कट कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चना दाल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैं अपनी प्याज को मोटा मोटा कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्याज को थोड़ा मोटा मोटा कट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और हम ऑयल को गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारा ऑयल है वो गरम हो चुका है। अब जो मैंने करेलों को कट करके नमक लगा कर रखा था, उन करेलों को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे करेले कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। इन्हें मुझे थोड़ा लाइट गोल्डन फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे करेले लाइट गोल्डन कलर में आ गए हैं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुके हैं। अब जो मैंने प्याज कट कर रखी थी मोटी मोटी चार बड़े साइज़ की, उनको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से पकाऊंगी। और फ्रेंड्स, हमें प्याज को हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। इसे मिक्स कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरे करेले और प्याज मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी प्याज गल गई है अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने अपनी चना दाल को भिगो कर रखा था आधे घंटे के लिए, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारे चना दाल को ऐड कर लिया है इसके अंदर, और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, हम इसे और फ्रेंड्स 1 से 2 बार हम इसे चला लेंगे। और फिर इसके अंदर हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर आपको सॉल्ट लेना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ मसाले पीसने हैं, जिसमें मैंने 3 चम्मच सौंफ ली है, 3 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मेथी लिए। तो अब हम इन सारी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए गाइस, मैंने इसे थोड़ा दरदरा पीस लिया है। अब मैं इन मसालों को कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। कितनी अच्छी तरह से पिस गए दरदरे हमारे मसाले। तो देखिए, मैंने इसे कटोरी में कर लिया है। फ्रेंड्स, पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा गीला कर लूँगी, बिल्कुल सूखा नहीं डालेंगे। तो देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें इसे गीला सा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है पानी ऐड इसके अंदर मसालों के अंदर। अब मैं इन मसालों को कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सारे मसालों को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और इसके अंदर हल्दी पाउडर और डाल दूँगी 1/2 चम्मच।
दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, कलर भी कितना प्यारा आया है इसके अंदर हल्दी की वजह से। और फ्रेंड्स इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी ऐड करा है। और ढक्कन लगाकर इसे 20 से 25 मिनट तक के लिए हम पकने देंगे। तो देखिए गाइस करेले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं फ्रेंड्स, आप इसे इन्हें ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये सर्व कर रही हूँ मैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।